हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हैप्पी होली ब्रह्मास्त्र बैच में 25% का आपको डिस्काउंट मिला है, तो सभी लोग इसका जो है लाभ उठा लीजिए। यानी कि ये ऑफर केवल आज और कल, ठीक है, यानी कि होली के 2 दिन तक है, उसके बाद फिर इसकी फीस जो है 199 कर दी जाएगी। और ये बैच आपके एग्ज़ाम, यानी कि जब तक आपका एग्ज़ाम खत्म नहीं हो जाता तब तक आपकी तैयारी इस बैच में कराई जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो इन 2 दिनों में जो 25% का डिस्काउंट यानी कि 50 रुपये का जो छूट है, उसका फ़ायदा आप लोग उठा लीजिए, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि आज के इस सेशन में हम लोग करने क्या वाले हैं, तो वो भी हम आपको बता दें कि आज के इस सेशन में हम आपके पूरे बुक से सभी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हालांकि थंबनेल में PYQ लिखा हुआ है, लेकिन ठीक है, फिर भी जो है PYQ नहीं है। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या चीज़? लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। पूरे बुक से लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव हैं, सभी बच्चे शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जितने बच्चे लाइव हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें आपके पूरे बुक के लघु उत्तरीय प्रश्न कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें ब्रह्मास्त्र बैच की, तो ब्रह्मास्त्र बैच में देखिए क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली। अगर बेटा हम ब्रह्मास्त्र बैच की बात करें, तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस बैच में आपको क्या मिलेगा? लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट MCQ, 3 ईयर PYQ यानी कि 3 साल के पेपर, फिर 3 सैंपल पेपर मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको इसमें न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा? न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आई? इसमें चैप्टर वाइज जो है आपके, यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी आपके ऐड रहेंगे। तो ये इतनी चीज़ें आपके ब्रह्मास्त्र बैच में रहेंगी। और पेमेंट जो है आप डायरेक्ट ऐप के थ्रू कीजिए। अगर ऐप से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तब इस दिए गए नंबर पर आप फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम कुछ भी करके उसका स्क्रीनशॉट लेके और साथ में अपनी ईमेल आईडी या प्रोफाइल सेक्शन का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि ये जो है आपके इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी न किसी साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए, इसके लिए वस्तु की स्थिति का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये कह रहा है कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब, और अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु जो है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होता है, तब अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, वही अवतल दर्पण है, ठीक है। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण। ये हो गई मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हो गया इसका फोकस F, ये हो गई इसकी प्रकाशिक केंद्र C। अब अवतल दर्पण, अब सिंपल सी बात यहां पे है कि आभासी प्रतिबिंब के लिए, बात को समझिए, आभासी प्रतिबिंब। तो अगर आपको याद हो, अवतल दर्पण में हमने आपको टोटल 6 केस पढ़ाए थे। कितने केस? 6 केस पढ़ाए थे। तो ये छठा वाला केस है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। 5, 6 ये इतने केस हमने पढ़ाया था। पहली केस हमने आपको बताया था कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ठीक है। दूसरी बात, जब हमने कहा था अनंत व, यानी कि इन्फिनिटी व, ठीक है, सी के बीच, तो प्रतिबिंब कहां चला जाता था हमारा? फोकस और सी के बीच, यानी सी एंड एफ, इन दोनों के बीच में आ जाता था। जैसे ही वस्तु हमारा सी पर आ जाता था, प्रतिबिंब कहां चला जाता था? वो भी सी पे चला जाता था। तो ऐसे जैसे जैसे हम क्या करते थे, वस्तु को पास लाते थे, तो ये हमारा प्रतिबिंब क्या होता था? दूर होता जाता था। लेकिन पांचवा केस क्या था कि जब वस्तु को हम एफ पर रख देते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहां बन जाता था? इन्फिनिटी पे बन जाता था। लेकिन जैसे ही 6 केस में हम आते थे, यानी कि एफ व पी के बीच में, यहां कहीं पे अगर हम वस्तु को रखते थे, तब इसका प्रतिबिंब आभासी बनने लगता था। अब इसको बनाइए,
हमने कहा कि एक किरण रेखा बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन होने के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, यानी कि ये फोकस से होकर चली जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। दूसरी सी से, प्रकाशिक केंद्र सी से, यानी ये हो गई सी आपकी। अब ये देखो, ये दोनों प्रकाश किरणें आगे जो है फैलती जा रही हैं, यानी आगे तो मिलने से रही नहीं, तो इसको अगर हम पीछे बढ़ा दें इस तरीके से यहां, तो ये दोनों एक दूसरे से यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो यहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ये ए ये बी, ठीक है, ये ए डैश ये बी डैश, ठीक है, ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। आगे कह रहा है वस्तु की स्थिति का उल्लेख कीजिए, वस्तु की स्थिति का उल्लेख कीजिए, तो यानी कि जब वस्तु जब अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने वस्तु F व P के बीच स्थित होता है, P के बीच स्थित होता है, तब उसका प्रतिबिंब, तब उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे, अवतल दर्पण के पीछे आभासी व सीधा, आभासी सीधा व वस्तु से, व वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। यह बात हो गई इस क्वेश्चन के आंसर की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सभी को बात समझ में आ गया, क्लियर, कि यानी बात कर रहा आभासी, और आभासी किस में आएगा, सिक्स नंबर वाले केस में, यानी कि F व P के बीच में, ठीक है, F और P के बीच में होगा, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे सीधा बड़ा और आभासी बनेगा, ठीक है, दर्पण के पीछे सीधा बड़ा और आभासी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F इक्वल टू R बाय 2, ये चीज हमें करना है प्रूफ। तो इसके लिए देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, यानी कि बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, कोई ये मान लेते हैं हमारा कोई एक अवतल दर्पण है, ठीक है, ये मान लिया मैंने, ये मेरा एक क्या है अवतल दर्पण, ठीक है, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक बेटा, ध्यान से देखना, ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष की लाइन, ठीक है, ये क्या हो गई मुख्य अक्ष, क्या हो गया मुख्य अक्ष वाली लाइन। अब मान लेते हैं यहां कहीं पे इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता केंद्र जिसे बोलेंगे सी, और यहां कहीं बीच में इसका क्या है फोकस है एफ। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मान लेते ये मुख्य अक्ष के समांतर आई कोई प्रकाश किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से जाती हैं, फोकस से होकर चली जाती है, यानी ये प्रकाश किरण कहां से चली जाएगी भाई, एफ से होकर ऐसे सीधे बिल्कुल चली जाएगी, ठीक है, तो ये चीज जो है बिल्कुल ठीक ऐसे सीधे निकल जाएगी एफ से, ठीक है। अब इस बिंदु पर आपतन कोण और परावर्तन कोण पता करने के लिए हमारा क्या काम है कि हम जो है इस बिंदु पर खींच देते हैं एक अभिलंब। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी दर्पण होता है, कोई भी प्रकाश किरण इस तरीके से आता है, तो मान लेते हैं पॉइंट ए पर आ रहा, तो यहां पे हम क्या खींचते हैं एक अभिलंब खींचते हैं, तब यहां से जो है हमें आपतन कोण और परावर्तन कोण पता चलता है। तो जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश किरण, ये मान लेते हैं कोई बिंदु बी है, इस बिंदु B पर जो है आपतित हो रही है, तो इस बिंदु B पर कोई प्रकाश किरण जब आपतित हो रही है तो इसके लिए हमें क्या काम करना होगा, हमको यह करना होगा कि इस बिंदु B पर हम एक अभिलंब खींचेंगे, और यह क्या है किसी गोले का भाग है, और गोले पर अभिलंब खींचा कैसे जाता है, केंद्र से सीधे पॉइंट को मिला दो, यानी कि इस केंद्र सी से जो है, इससे सी से इस पॉइंट को हम सीधे सीधे मिला देंगे, ये हो जाएगा हमारा अभिलंब। अब अभिलंब के साथ में जो आने वाली किरण है ये बना लेगा आपतन कोण आई, ठीक है, और ये हो गया हमारा परावर्तन कोण आर, ठीक है बेटा, बात समझ में आई, ठीक है।
अब एकदम क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है ना, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए। अब यहां पे मान लेते हैं क्या चीज, कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण, इसको कोई नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। कोई प्रकाश किरण ए बी, बिंदु बी पर क्या होती, आपतित होती है और परावर्तित होकर वो फोकस से होकर चली जाती है, ठीक है। बात समझ में आई। अब यहां पे ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात यह है कि परावर्तन कोण यह कहता है कि आपतन कोण आई, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है। दूसरी बात क्या हो गया बेटा, दूसरी बात यह है कि कोण आई यानी कि ए बी, कोण देखो, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, के बी सी नहीं, ए बी सी, ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, बी सी एफ, या यहां पे नाम दे देते हैं कोई पॉइंट भी, ठीक है। कहने का मतलब है ये कोण आई इस कोण के बराबर होगा, ये कोण भी हमारा क्या होगा, आई होगा। कैसे आई होगा, एकांतर कोण, यानी कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, इनको कोई त्रियक रेखा काट रही है, तो यहां पे जो कोण बनेगा वो इस कोण के बराबर होगा। तो सिंपल सी बात बेटा, यहां पे वही लागू हो रही है कि यहां पे कोण कितना आपका बन रहा है, ये हो गई जो डॉट लाइन है, ये हो गई, देखो ये दो समांतर रेखाएं, ये हो गई त्रियक रेखा, यहां पे जो कोण बन रहा है आई, ये इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई, सिंपल एकदम, ठीक है। तो वही चीज, ये बराबर हो गए कैसे, एकांतर कोण से। अब ये देखो, त्रिभुज बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि कोण सी बराबर कोण बी, ठीक है, यानी कि कोण बी सी एफ इजकल टू कोण सी बी, सी बी एफ, ठीक। यानी कि किसी भी त्रिभुज में दो कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, अतः त्रिभुज ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अतः त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु द्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी दो भुजाएं जो है बराबर होंगी, और वो दो भुजाएं कौन कौन सी, ये और ये, ये और ये, ठीक है। बात समझ में आई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अतः ये इंप्लाइज करेगा कि ए बी यानी कि सी एफ, सी एफ इजकल टू एफ बी, समीकरण नंबर बेटा एक, ठीक है। अब ये आगे देख लो, यदि प्रिज्म या सॉरी यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण बहुत छोटा हो, यदि दर्पण क्या हो, बहुत छोटा हो, यदि दर्पण बहुत छोटा हो, तब बिंदु बी पी पर, बिंदु बी व पी संपाती होंगे, बी व पी कैसे होंगे, समपाती होंगे, यानी एक ही बिंदु को निरूपित करेंगे, यानी कि बिंदु ये बी, ठीक है, और P एक ही बिंदु को निरूपित करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में तब समीकरण एक से ये क्या हो जाएगा, CF इक्वल टू एफ पी, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दो। अब आगे देखो, P से लेके C तक की दूरी ये क्या चीज है, वक्रता त्रिज्या है, यानी ये हो गई हमारी R। PC को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में, कौन कौन सा, PF प्लस CF, तो इसको हम लिख सकते हैं PF प्लस FC, ठीक है, इजकल टू R। और PF बराबर क्या है, FC है, PF बराबर किसके है, FC है, देखो यही चीज है, यानी कि हम CF की जगह PF लिख सकते हैं, तो इसकी जगह PF लिख देते हैं, तो ये हो गया PF प्लस PF इजकल टू R, यानी कि 2PF इजकल टू R। और PF क्या चीज है, P से लेकर F तक की, यानी कि P से लेकर F, F क्या चीज है, फोकस बिंदु है, तो ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी, यानी कि 2 इंटू F इजकल टू R हो गया, ठीक है। तो यहां से
क्या हो जाएगा भाई, एफ इजकल टू 2 से गुणा है, दूसरी साइड जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, जो चीज हमें प्रूफ करना था वो चीज आ गया। ठीक है, आ गई बात सबको समझ में, नोट कर लो सभी लोग, जितने भी बच्चे लाइव हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर बैच में नहीं जुड़े हो तो बैच में जुड़ जाना। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के केवल दो ही केस हैं। ठीक है, एक तो जब वस्तु अनंत पर हो, एक जब वस्तु अनंत पर हो, दोनों केस लिखना है, तब मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहां से होकर जाती हैं, यहां कहीं मान लेते इसका फोकस होगा तो इस फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती, यानी ऐसे चली जाएंगे। ठीक है, यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें हैं, ऐसे चली जाएगी, यानी ऐसे आई और ऐसे चली जाएगी। ठीक है, पहला केस हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहां से जाती हुई प्रतीत होंगी, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी। दूसरी बात, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि सेकेंड केस में अगर वस्तु, ये हमारा P है वो ये इनफाइनाइट है, ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित हो, तो ध्रुव और फोकस के बीच में अगर यहां कहीं पर स्थित होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा यहां फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी कि F और P के बीच में छोटा आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, ये सेकेंड केस हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया, सेकेंड केस ये कहेगा, जैसे मान लो ये कोई क्या है, उत्तल दर्पण है, यहां पर कोई वस्तु स्थित है, ये इसका क्या हो गया, फोकस एफ हो गया, यहां से सीधे प्रकाश किरण जाएगी और ये ऐसे अपवर्तित होकर निकल जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी सी से, यानी यहां कहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब देखो सीधा सीधा बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यही चीज था, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। ठीक है, आराम से 2-3 नंबर का ये सवाल है। ठीक है, आराम से आपके पास मिल गए। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है, ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या है क्वेश्चन, लग जाएगा जल्दी से। चलिए देखिए, यहां पे पहला क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, बिंब का दर्पण से दूरी यानी कि परिसर यानी कि रेंज क्या होना चाहिए, कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब का बिंब से कितना बड़ा है अथवा छोटा है बड़ा, यानी ये सारी चीजें हमें बतानी है, कुल मिला के प्रतिबिंब की प्रकृति भी बतानी है, सारी चीज बतानी है। सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं कि इसमें क्या चीज गिवेन है उसको देखते हैं। अगर हम देखें, सबसे पहली बात है कि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, फोकस दूरी क्या है, बात कर रहा अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी नेगेटिव, कितनी है फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी आपकी जो हो जाएगी वो एफ इजकल टू कितना है, माइनस 15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है तो इसलिए दूरी माइनस हो गई। अब उसके आगे ध्यान दो, का उपयोग करके किसी बिंब यानी बिंब का मतलब होता किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। अब ये एक बात बताओ कि जो हमारा है क्या चीज, जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में किस केस में सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो बात अगर हम करें अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सीधा तभी बनता है, यानी कि केवल एक ही केस है, तभी बनता है जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो, व ध्रुव यानी कि पी के बीच स्थित हो, के बीच स्थित हो। ठीक है,
केवल एक ही केस है कि जब वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो अब फोकस दूरी आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है फोकस दूरी, यानी अगर ये हमारा है अवतल दर्पण, ध्यान से समझना इस टाइप के क्वेश्चन को, ये हो गया हमारा क्या अवतल दर्पण, ये हो गया क्या मुख्य अक्ष, ये इसका हो गया वक्रता केंद्र सी, ये हो गया इसका फोकस एफ। अब वस्तु को होना कहां चाहिए, इसके इसके बीच में, ये पी हो गया, इन दोनों के बीच में कहीं पर, यहां चाहे यहां यहां कहीं पर भी स्थित होगा तभी इसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा, तभी इसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी बात कह रहा है प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है अथवा छोटा है। तो जैसा कि आपको मालूम है 6 वाले केस में प्रतिबिंब जो है बिंब से बड़ा है, कैसे बड़ा है, एक प्रकाश किरण क्या होगी भाई, देखिए अभी अभी हमने पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि मुख्य अक्ष के एक प्रकाश किरण समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाएगी, यानी ये फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ये रही वक्रता केंद्र सी, ऐसे आगे निकल जाएगी, लेकिन ये आगे मिलेंगे नहीं, तो इन दोनों को हम बढ़ा देते हैं भाई पीछे, तो इन दोनों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से कहीं पर कट करती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब देखो सीधा सीधा बनेगा, ये अगर हो गया हमारा ए बी तो ये हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है, इस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा, पहली बात। अब क्या चीज है बनाना, बिंब का दर्पण से परिसर यानी कि दूरी क्या होना चाहिए, तो दूरी जो परिसर है वो 15 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, यानी कि बिंब का दर्पण से दूरी 15 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। पहले का आंसर हो गया। दूसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति भैया आभासी हो गई, क्योंकि पीछे बन रहा है, तो प्रकृति कैसी हो गई, आभासी हो गई, ठीक है, आभासी। अगला, बिंब से बड़ा है अथवा छोटा है, तो बिंब से बड़ा। अगला बात क्या कह रहा है कि इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आ रही खींचिए, वो मैंने पहले ही खींच दिया। तो अब सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बोलो हाँ या ना, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, जबकि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से अधिक, ठीक है। ये देखिए, एक सलाह आप ले लीजिए, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, ठीक है, ये वाला वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख लीजिए। एकदम स्टार्ट में जब हमने जो है चैप्टर को स्टार्ट किया था वहां पे हमने बताया था, अगर ये क्वेश्चन आप, यानी कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, अगर प्रतिबिंब बनने का नियम आप अच्छे से समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आप इस चैप्टर का छोड़ के बोर्ड एग्जाम में नहीं आओगे, डेफिनेटली उसे 100% करके ही आओगे, ठीक है। या फिर अगर कोई समस्या, कोई परेशानी होती है प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये सारी चीजों में, इस पर हम एक स्पेशल अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप लोग बोलोगे तो, ठीक है। लेकिन उससे पहले कोशिश करो कि ये वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है तो आप इसको देख लीजिए, चाहे फाइनल शॉट वाले में देख लीजिए या जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे वहां पे देख लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई। चलिए, हालांकि इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। चलिए, क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित करना, पहली स्थिति वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, यानी कि जैसे मान लीजिए यह हमारा क्या है, कोई अवतल दर्पण है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र सी, यहां का मान लेते हैं इसको बीचों बीच हो जाएगा फोकस है,
पहली स्थिति में कह रहा है कि वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, यानी ये रहा वक्रता केंद्र, इससे अधिक दूरी पर हो, यानी यहाँ कहीं वस्तु स्थित हो, वस्तु यहाँ कहीं स्थित हो, मान लेते हैं यह वस्तु हमारा क्या है, ए बी है। अब क्या होगा, एक प्रकाश किरण क्या होगा, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर जाएगा, तो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर ये प्रकाश किरण चली गई। परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर चला जाएगा, ये फोकस से होकर चला गया। दूसरी बात, दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर लंबवत होती है, और लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरणें अपने ही मार्ग पर वापस चली जाती हैं, तो ये वापस लौट गई। यहाँ पे देखो वस्तु का प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, ठीक है। दूसरा कह रहा है वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसी में बना दें, नहीं चलो अलग कर देते हैं, ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष, ठीक है, ये हो गया वक्रता केंद्र सी, यहां कहीं आ गया फोकस एफ, ठीक है। अब यही वक्रता केंद्र पर ही वस्तु स्थित है इस प्रकार से, ठीक है, ए बी मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात कहां से गई, फोकस से, कहां से गई भाई, फोकस से होकर चली गई। दूसरी बात, अब इसके आगे वक्रता केंद्र है नहीं, वक्रता केंद्र पे ही जब वस्तु स्थित है तो ये फोकस से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, तो फिर परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगा, परावर्तन के पश्चात ये जो है जाएगा हमारा फोकस से होकर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, हालांकि मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, इसको थोड़ा सा हम सही बना देते हैं भाई, इसमें आप लोग जब तक पटरी प्रकार की सहायता से नहीं बनाओगे तब तक चीजें सही से बनेंगी नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये अवतल दर्पण, ये हो गया वक्रता केंद्र सी, ये हो गया एफ, ठीक है। यहां पे वस्तु स्थित है कोई इस प्रकार से, मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात फोकस से, दूसरी प्रकाश किरण फोकस से, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष के समांतर, अब दोनों को मिला दो, देखो यहीं पे जो है वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। ये ए बी, ये हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है। तो बिल्कुल वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, ठीक है, उल्टा, ठीक है, और वास्तविक बनता है, और वस्तु के बराबर बनता है सेकंड केस में। तीसरा केस क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो, यानी कि अगर प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में आ जाए, अगर यहां कहीं आ जाए, मान लेते हैं यहां कहीं आ जाता है, तो अगर यहां कहीं पे आ जाएगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां कहीं बनेगा, ठीक है, यहां कहीं बनेगा और बड़ा सा बनेगा, ठीक है, बात समझ में आई, यहां कहीं बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। किरण आए खींच लेना ये और ये देखो, अलग कलर ले लेते हैं, इसी में खींच देते हैं। जैसे मान लीजिए तीसरे केस की अगर हम बात करें, ये हमारा तीसरा केस है, रेड वाला सॉरी ग्रीन वाला तीसरा केस है। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। मुख्य अक्ष के बाद परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगा, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर जाएगा। तो मुख्य अक्ष के जब समांतर चला जाएगा तो कहाँ पे कट किया भाई, कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया। तो यहाँ पे देखो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। ये अगर मान लेते हैं ए बी है तो ये हमारा ए डैश बी डैश हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से तीसरा केस हो गया। चौथे केस की अगर हम बात करें, फोकस तथा दर्पण ध्रुव के बीच में हो, यानी इसके बीच में हो, यहां कहीं वस्तु को स्थित हो, तो यहां कहीं जब स्थित होगा तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां बनेगा इसके पीछे, ठीक है, कई बार बता चुके हैं, तो हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, कर लोगे ना, हो जाएगा बेटा, बोलो, हो जाएगा ना। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर, देखिए चौथा वाला जो केस है इसको तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इस केस की अगर हम बात करें, इस केस को देखो इसी में डिस्कस कर दिए, ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसी में डिस्कस कर दिया। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है
एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब के निर्माण के लिए किरण आरेख खींचिए जब वस्तु अनंत पर हो। अब वही चीज है कि उत्तल लेंस वाला वस्तु अनंत पर हो, तो ये जैसे मान लीजिए उत्तल लेंस है ना, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है भाई, कोई उत्तल लेंस है, ठीक है, ये हो गई मुख अक्ष, ठीक है। अब कह रहा है वस्तु अनंत पर है, तो अगर वस्तु अनंत पर है, मान लेते हैं एक इसका फोकस इधर हो जाएगा और दूसरा फोकस इधर हो जाएगा, और ये हो गई अनंत, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कैसे आती हैं, मुख अक्ष के बिल्कुल समांतर, और फिर अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी, फोकस से होकर, ये हो गई अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, अपवर्तन के पश्चात कहां से गई, फोकस से, ठीक है। तो यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखा हो, तो ये रहा लेंस का फोकस, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, इसके अगर मध्य में स्थित है, नीचे देखो दूसरा बनाते हैं, ये हो गया हमारा क्या चीज, उत्तल लेंस, ये हो गई मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र O, ठीक है, ये हो गया इसका फोकस F, इधर भी इसका फोकस हो जाएगा, ये द्वितीय फोकस है, ये प्रथम फोकस है, ठीक है। तो इसके बीच में कोई वस्तु स्थित है यहाँ पर, तो यहाँ से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर प्रावर्तन के पश्चात फोकस से, दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से होकर प्रकाश किरण जाएगी, ये इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पे गए, ये दोनों आगे देखो बढ़ाते जाओगे, बढ़ते चले जाएंगे, मिलेंगे नहीं, तो इनको बढ़ा दो भैया पीछे, इनको बढ़ा दो पीछे, तो इनको जब आप बढ़ाओगे पीछे, तो ये दोनों देखो एक दूसरे से यहीं कहीं पर मिलेंगी, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा भाई, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र के पीछे, यानी कि लेंस के उसी साइड, जिस साइड वस्तु को रख रहे हो लेंस के उसी साइड बनेगा, वस्तु से बड़ा सीधा आभासी बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा, ठीक है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं यहां पे, ठीक है। हो गया दोनों क्वेश्चन, अनंत पर स्थित है तो ये पहला वाला फिगर, सेकंड है लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र, ये फोकस ये प्रकाशिक केंद्र इसके बीच स्थित है, ये सेकंड वाला, ठीक है, हो गया किरण आरेख, बिल्कुल सही फिगर है। इसी तरीके से आप लोग पटरी प्रकार से खींचेंगे तो और अच्छा और स्पष्ट फिगर बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्या तात्पर्य है, स्वस्थ आंख के लिए इसका मान। सबसे पहली बात तो कह रहा है मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु, तो अगर हम बात करें निकट बिंदु की, वह न्यूनतम दूरी, यानी कि मनुष्य के आंख से वह न्यूनतम दूरी जहां पर स्थित वस्तु को वह साफ साफ देख सकता है, वो क्या कहलाता है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाता है, और इसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। इसका मान होता कितना, 25 सेंटीमीटर। लैंग्वेज भी आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि वह न्यूनतम दूरी जहां पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जहां पर स्थित वस्तु को नग्न आंख द्वारा अस्पष्ट या स्वस्थ नग्न आंख के द्वारा अस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, ठीक है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या निकट बिंदु कहलाता है, ठीक है। इसका मान 25 सेंटीमीटर है। वहीं अगर हम बात करें दूर बिंदु की, तो यानी कि वह अधिकतम दूरी जहां पर स्थित वस्तु हमें साफ साफ आया था, तो इसका मान जो होता है स्वस्थ आंख के लिए वो इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी कि अनंत होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया,
बोलो हाँ या ना। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, सामान्य नेत्र से 25 सेंटीमीटर निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते, ये कैसा सवाल है भाई। यहां पे कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या? ठीक है, क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा भाई, आराम से। क्वेश्चन क्या कह रहा, सामान्य नेत्र से 25 सेंटीमीटर से निकट, ओह 25 सेंटीमीटर से निकट, यानी 25 सेंटीमीटर से अगर पहले हम किसी वस्तु को रख दें तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम साफ साफ नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इसका कारण पूछ रहा, इसका कारण क्यों, यानी कि जो मनुष्य की निकटतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर दूरी ही है, और 25 सेंटीमीटर से अगर अधिक और पास ले आ दोगे वस्तु को तो उसका जो प्रतिबिंब है यानी उसकी जो इमेज है रेटिना पर वो क्या हो जाएगा, फिर वो रियल यानी कि वास्तविक ना होके आभासी बनने लगेगा। कैसा बनने लगेगा, आभासी। आभासी का मतलब ये है कि जो, ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है, ये एकदम फिक्स है, इससे अगर पहले ले आ दोगे किसी वस्तु को तो इसका जो प्रतिबिंब है रेटिना पर वो सही सही बनेगा नहीं, एकदम ब्लर दिखाई देगा, यानी कि स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, अस्पष्ट नहीं बनेगा। तो जब रेटिना पर प्रतिबिंब ही स्पष्ट नहीं बनेगा तो हमें वस्तु कैसे स्पष्ट दिखाई देगी। बात समझ में आ गई दोनों, ठीक है, क्लियरली बेटा बात समझ में आ गई सभी को, हाँ या ना जल्दी बताओ। अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए इसमें, अच्छा इसमें एक और चीज है, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो इसमें आप और भी चीजें लिख सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर जो रखी होती हैं वस्तुएं वो रेटिना पर सही, यानी कि वहां पर स्थित वस्तुएं रेटिना पर सही से फोकस नहीं कर पाती हैं, रेटिना पर जो है सही प्रकार से वो फोकसित नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए उनका प्रतिबिंब भी रेटिना पर साफ साफ नहीं बनता है, तो इसीलिए वो साफ साफ नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है, ये तो भाई सबको मालूम है। दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं, इनका निवारण कैसे किया जाता है, तो दोनों प्रकार के दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए, तो हम देखते हैं आपका आंसर जल्दी से। दृष्टि दोष क्या है, अगर हम बात करें दृष्टि दोष की, ठीक है, तो दृष्टि दोष का मतलब क्या है कि जब वस्तुएं आंख के द्वारा अस्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। जब दूर की वस्तुएं हमें साफ साफ नहीं दिखाई देती तो ये हम इसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष, और जब पास स्थित वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेरा फोन नहीं बज रहा, आपका बज रहा, ठीक है, और जब पास स्थित वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती तो इसको हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए फिर इसके निवारण की अगर हम बात करें तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निकट में क्या होता है, दूर स्थित वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, यानी कि पहले बन जाते, निकट के लिए अवतल लेंस, निकट के लिए, निकट की अगर हम बात करें तो इसके लिए अवतल लेंस, अगर हम दूर की बात करें तो इसके लिए उत्तल लेंस। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए फिर बहुत अच्छी बात, आगे बढ़े। फिर वही क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं या किन किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है,
निवारण पूछा है, दृष्टिदोष पूछा है, कारण पूछा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए फिर हो जाएगा ना, आगे बढ़े। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, सेम क्वेश्चन ये भी हो। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये मानव नेत्र के जो है सवाल हैं, और मानव नेत्र वाले जो सवाल होते हैं, ठीक है, वो उतनी आसानी से नहीं लग पाते हैं जितनी आसानी से आप प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के सवाल लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें समस्या ये है कि आप समझ नहीं पाते हो कि क्या चीज़ यू क्या है, वी क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखिए हम आपका क्लियर कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात जो इस क्वेश्चन में कह रहा है वो क्या कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को साफ साफ पढ़ लेता है, यानी कि वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु है तो उसको साफ साफ पढ़ ले रहा, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर हम पुस्तक को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दें तब तो वो साफ साफ नहीं पढ़ पाएगा, सीधी बात है। तो इसके लिए उसके चश्मे में कैसा लेंस प्रयोग में लाना चाहिए और कितनी फोकस दूरी का होना चाहिए, ये दोनों बातें हैं। तो यानी वस्तु को इस बार हम रख कहां रहे हैं, 25 सेंटीमीटर, तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी बात, दोष कैसा है इसके पास, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है, अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, कौन सा लेंस, अवतल लेंस। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तभी वो साफ साफ पढ़ पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो V क्या हो गया, B इज इक्वल टू हो गया -20 सेंटीमीटर। तो अब फार्मूला अप्लाई कर दो भाई, 1/F इक्वल टू 1/V -1/U, 1/B -20 माइनस, ठीक है, 1/25, ठीक है, 1/25, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखो इसको कर लो सॉल्व, 1/F इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, इसका क्या गुना 5 गुना, माइनस है ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 25 का क्या गुना 4 गुना, तो ऊपर हो जाएगा 4 से गुणा, ठीक है। तो 1/F इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/100, यानी कि -5 + 4 कितना आएगा -1, तो F बराबर कितना आ गया -100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर। आगे पूछा क्या पढ़ने के लिए, उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी के, तो अवतल अवतल लेंस और 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, और 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, ठीक है, लेंस उसको चाहिए वस्तु को साफ साफ पढ़ने के लिए, ठीक बात। चलिए हो गया क्वेश्चन, अच्छे समझ गए। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको हम कल देखेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और कुछ इंपॉर्टेंट बात है उसको पहले नोट कर लेते हैं। देखिए पढ़ाई में डाउट, यानी कि अगर पढ़ाई में कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी है, तो उसके लिए आप डाउटनेट का ऐप, ठीक है, डाउटनेट के ऐप से आप अपने डाउट के फोटो खींचिए, फोटो खींच के जैसे ही आप उसे क्रॉप करोगे तुरंत उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, और आप फ्री में अनलिमिटेड सवाल भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात, ये सुविधा क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, साथ साथ IIT, JEE, NEET, CBSE, UP, बिहार, राजस्थान और अदर स्टेट बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के लिए ये सुविधा अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या साइंस में कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, डाउटनेट ऐप पर आपको मिलती है ऑनलाइन क्लासेस, जो कि क्लास 9 to 12, साथ साथ IIT, JEE और NEET की भी। इस क्लास में इनरोल होकर बहुत सारे बच्चे स्टेट टॉपर भी रह चुके हैं और अपने अपने सब्जेक्ट में मैक्सिमम अंक स्कोर किए हुए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। डाउटनेट के ऐप को आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउटनेट के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू, ऑल ऑफ यू, मिलते हैं फिर कल, आज के लिए सिर्फ इतना ही।